क्षेत्र का गंगानगर में स्थित कुख्यात गुंडा ओम जाटुआ के अवैध निर्माण को धराशायी करने उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन के साथ नगर निगम कामला पहुंचा। उज्जैन सिटी एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी के मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण का जायजा लेकर तोड़ने की अनुमति निगम को दी। पुलिस बल में CSP पल्लवी शुक्ला, रजनीश कश्यप, IPS डॉक्टर रविन्द्र वर्मा, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, प्रकाश वास्कले, अरविंद सिंह तोमर, JR बर्थडे, प्रेम नारायण शर्मा, संजय वर्मा, मुनेंद्र गौतम, महेंद्र मकाश्रे, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष राव, आरक्षक सुनील पाटीदार, दिनेश सिंह बैस, महिला अधिकारी आरक्षक रानी कौशिक सहित पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही SDM राकेश मोहन त्रिपाठी, निगम उपायुक्त सुबोध कुमार जैन, तहसीलदार पूर्णिमा सिंह भी मौजूद रहे। सर, यहाँ पर गुंडों के प्रति लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, आज भी अतिक्रमण लगातार हटाने में कामयाबी हासिल कर रही है, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है? हाँ, ये जो कार्रवाई है, ये जो शासन के मंशानुरूप जो गुंडे बदमाश हैं जिनके द्वारा आगे तरह संपत्ति है उसको चिन्हित करके उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये ओम प्रकाश एक जाटवा अपराधी है जिसके 40 अपराध हैं, सभी प्रकार के गंभीर अपराध हैं, पूरे क्षेत्र में इसका बड़ा आतंक है। और ये दो प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर, दोनों अवैध प्रॉपर्टी हैं, दोनों को नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से चिन्हित करके इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे और पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई गुंडों के प्रति करेगी? आगे लगातार जो भी गुंडों के, बदमाशों के, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, इसमें जो भी उनके द्वारा अर्जित संपत्तियाँ हैं उनको चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।